अभी इस महीने पता है हमारा कौन सा एक रोका हुआ था हमारे, याद है? फिर से आ गए रे बाबा, पिछले साल रोका हुआ था हमारा। ये फंस गया सी है। मैंने बोला था ना इससे ज्यादा मेरे को डेट चाहिए। Hey guys, what's up? Finally, we are back with the vlog. What time ho gaya? Vlog nahi aaye the, but we'll be starting this vlog with the same energy, the same intensity. As you can see, where we are, हम लोग आ चुके हमारे घर पे वापस. Those were very long and busy days. जब हम लोगों ने यहाँ से पहले गुड़गांव गए, फिर गुड़गांव से फिर हम लोग द्वारका गए, अब द्वारका से वापस से हम लोग यहाँ पे. ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए. हम लोग जैसे शादी के बाद गुड़गांव गए, यहाँ पे इतना सारा सामान पड़ा था, हम लोगों ने सब यहाँ पे खाली करा एंड अब हम वापस आ चुके हैं. यहाँ पे पहले एक बेड हुआ करता था, अब यहाँ पे टेबल है और सोफा है, यहाँ पे आराम से लेटेंगे. टीवी लगाऊंगा मैं यहाँ पे, पीसी सेटअप सही से करेंगे आज. कल रात को ही मैं सारा सामान लाया हूँ, सीपीयू, मॉनिटर, PS5, UPS मॉनिटर. एक्सक्यूज मी, लास्ट के दो तीन दिन तो बहुत ज्यादा एक्टिक थे, अभी शिफ्टिंग वगैरह चल रही थी, इसीलिए हम लोग ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे, बट हम लोग वापस आ चुके हैं. अब ब्लॉग भी करेंगे, स्ट्रीम भी करेंगे, हर चीज होगी. ये करेंगे, अब वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. पहले तो यार एसी भी नहीं हुआ करता था. द्वारका वाले घर में पता नहीं कैसे स्ट्रीमिंग करी है मैंने, दो दो तीन तीन ढाई ढाई घंटे. ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है. थोड़े से मुश्किल दिन थे, बट हाँ इजी दिन से पहले थोड़े से मुश्किल दिन होते हैं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है. वही हम लोगों ने करा, आप लोग भी वही करेंगे. एंड आप में से कितने लोगों को पता है, आई स्टार्टेड माय यूट्यूब करियर इन दिस रूम ओनली. यहाँ पे पहले मेरी पीसी टेबल हुआ करती थी, देयर यूज्ड टू बी अ बेड ओवर हियर. एंड ये देखो गाइस मेरे को आज क्या मिला शिफ्टिंग करते करते, ICC क्रिकेट, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड. रुला दिया ना बेचारी को, वर्ल्ड कप 2023. भाई ट्रेविस हेड और पैट कमिंस अभी IPL में भी फुल मजे ले रहे हैं. इनको पसंद आ गया भाई इंडिया, इनका आधार कार्ड बना दो. अभी हमारा ब्रेकफास्ट बनेगा, आज रामनवमी भी है. हैप्पी रामनवमी टू ईच एंड एवरीबॉडी. अब नवरात्र खत्म हो चुके हैं, इस बार के नवरात्र से पता नहीं चला कब निकल गए. कल थर्सडे है, कल थर्सडे में किसी और टीम से खेल रहा हूं. एंड हमारी क्रिकेट टीम का ना थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिचुएशन बताऊंगा, वो संडे वाले ब्लॉग में बताऊंगा उन लोगों के साथ में कि क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. एंड मैं एक ही टीम से खेलता हूं, एक ही टीम में भी थोड़ा लेफ्ट राइट चल रहा है, बट कोई नहीं, जब भी है जैसा भी है चलता रहेगा भाई. मैच तो खेलते रहेंगे, इस टीम से खेले उस टीम से खेले, बट हाँ थर्सडे इस बार मैच है हमारा वीकडे में. मैं ट्राई करता हूँ यार हफ्ते में दो मैच तो खेलूं एटलीस्ट. तो अभी हमारा जो मंदिर है वो सेटअप हो रहा है, प्लस हमारा जो किचन है वो भी यहाँ पे हर चीज समेटी जा रही है, समेटी मतलब रखी जा रही है, सजाई जा रही है. फायदा थक चुका हूँ ना मैं आज ही, वापस से मेरे को एक और राउंड मारना पड़ेगा उस वाले घर पे, थोड़ा बचा कुचा सामान है. ये देखो पीछे जितने भी आप लोगों को सॉकेट दिख रहे हैं ना, एक दो और तीन, तीनों निकम्मे नहीं चल रहे हैं. अब इसके लिए क्या है, मेरे को एक्सटेंशन कॉर्ड लगाना पड़ा उस वाले कोने. तो ऐसे छोटे मोटे काम है जो बचे हैं हमारे, वो धीरे धीरे करके होंगे, बट रूम की सफाई हो चुकी है. ऑल्सो अब मेरे पास लेटने के लिए कुछ है. एक ही साल में तीन बार शिफ्ट कर लिया भाई हम लोग, तीन बार, कोई बड़ी बात नहीं, चौथी बार भी हो जाएगा जल्दी. तो अभी कपड़े भी सारे के सारे अपने अंदर डालने अलमीरा में. अचानक से बहुत ज्यादा काम आन पड़ा है गाइस. यार ये सेटअप तो हो गया, बट अभी भी हमारा प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, बहुत सारी चीजों का जो काम है वो भी बच रहा है. तो हम लोग आज इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर को बुला के सारा काम खत्म करवाएंगे. सारा का सारा बोझ इस छोटे से कंधे पे. टेंशन तो मेरे को लेना पड़ता है ना, क्या क्या रह रहे हैं घर में. नहीं आ रहे, कल आएंगे थर्सडे. कल मैं नहीं आऊंगा, कल मेरा क्रिकेट मैच है. वो क्रिकेट किट बैग भी ले, आधा सामान उधर है, आधा सामान इधर है. इसका तो सारा आ गया, अब मेरा तो थोड़ा सा उधर है. ई क्या होता है, खूनी है इंसान, मतलब दर्द वाला ई. कल तो कितने चक्कर लगाए मैंने, 4. यस मैच ली थी ना मैंने. हमारे यहाँ पे गाइस एक नया प्रोफेशन मैंने पकड़ा है, वो भी अभी बता रही है मेरे को, अभी अभी जस्ट पता चला है इसके प्रोफेशन. और ये बचपन से सीख रही है ये. यार बचपन में वो नहीं आते गली में बड़े वाले अंकल, तो वो गाने नहीं गाते थे. वाला बताओ तो सही, लोगों को कैसे बोल रही हो आप, बिल्कुल सेम उनकी तरह बोल रही थी. फिर से बोल दो एक बार. नहीं मैं नहीं बोल सकती यार, मैं कैसे बोलूं, सब लोग मजाक. यार दिक्कत हो गया, देख रहे हो शिफ्टिंग में खराब हो गया. हमारा पानी, बिजली, हवा, हर चीज सॉर्ट होगी तभी हम लोग यहाँ पे सेटल हो पाएंगे. तो इट्स करेंटली 6:05 PM. मेरा सेटअप हो चुका है फाइनली पूरा A to Z, बट अभी भी आप लोग ये देख रहे हो एक्सटेंशन कॉर्ड एक्स्ट्रा है, वहाँ से वो इंटरनेट वाली वायर आ रही है. ये पहले से भी इसका कुछ सॉल्यूशन मैं निकाल नहीं पाया.
तो बट अब निकालूंगा कि ये सब क्लियर हो भाई, एंट्रेंस में ये सब नहीं आना चाहिए। तो फिर फाइनली मैं समझूंगा कि इस रूम का जो एक प्रॉपर सेटअप है वो हो चुका है टेक्निकल वाला। बाकी अभी जो यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह ये भी लाइट लगाऊंगा मैं, इसकी भी थोड़ी कनेक्शन का इशू हो गया, बहुत टाइम से चली नहीं है। एंड अटेंशन टू डिटेल भी देख रहा हूँ, मेरा ये वाला टैटू उसमें भी क्या हाथों में भी है, अगर ढंग से देखोगे ये इस लड़की ने मेरे को गिफ्ट करा था। बट अभी बाहर का ना बादल का टेक्सचर दिखा दो, बहुत क्रेजी। अब यहाँ से ना मैं गोप्रो भी बनाया करूंगा अपनी जो टाइम लैप्सेस हैं, ये देखोगे ये रात को मैं ये पीऊंगा। बाकी अभी रूम की भी सफाई ढंग से होनी बाकी, अभी तो वैसे कुछ साफ हुआ ही नहीं है। सोफे हैं, उस दिन मैंने पोछा वोचा मारा था हल्का सा, सही सलामत आ गई इस रूम में, वही बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से जो पीसी था मेरा, जो इसका जो ग्राफिक कार्ड है, ये मैं ऐसे ही लगा के आया था 30 रुपए। पहले यहाँ से जब मैं गुड़गांव भी लेके गया था तब भी मैं ग्राफिक कार्ड लगा के ही गया था, और अभी भी मैं ग्राफिक कार्ड लगा के ही वापस यहाँ पे लाया हूँ। वरना तेरे को डर नहीं लगता? एक टाइप की स्किल है जो सब लोगों के पास नहीं होती, क्योंकि यूजुअली सब लोग ग्राफिक कार्ड निकालते हैं देन फिर ट्रांसलेट में डालते हैं, बट मैं खुद ही लेके आया था भाई अपना सारा सामान। वरना मेरे पीसी और ये एक पीसी का ग्लास टूटने की जो एक कहानी है वो आप लोगों को पता ही है। नहीं, बिखरा वो। By the way, ये वाला जो कमरा है आप लोगों को कितनों को याद है, ये विहान शाह का कमरा है। Do you remember? कंप्लीट नहीं हो पाएगी, अब तो मैं रहने आ गया हूँ यहाँ पे। विहान शाह यहाँ से बैग उठा के चला गया था। मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था जब मैं 11th क्लास में था, मेरी 12th क्लास यहाँ पे हुई है, फिर यहाँ से मैं कॉलेज के बाद फिर अपना यूट्यूब का करियर यहाँ से स्टार्ट हुआ। अपना करियर नहीं बोलूंगा, एक शौक था जो यहाँ पे एक लड़का टेबल लगाता था और आराम से बैठ के स्ट्रीम करता था। बट यार आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया आप लोगों के लिए। पता नहीं ये हो गया केतन व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा है, केतन के पास व्लॉग नहीं है डालने के लिए। बट केतन के पास बहुत सारी चीजें करने के लिए, बट वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि केतन सामान उठा के यहाँ ला रहा था। बट कोई नहीं, अब केतन फिर से वीडियो बनाएगा और वापस कोशिश है। देखो हम लोग इंसान, हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी होनी ना होनी वो भगवान के ऊपर, और अगर हो गए तो आप लोगों के ऊपर। क्या देख रही हो वहाँ पे, सीरियस बात है सारी। अगर कोई ऐसे सुन के अगर अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट कर लेना सारी चीज, भगवान बन सकता है। यहाँ सामान बिखरा पड़ा है, यहाँ बिखरा पड़ा है, ये पूरा किचन अभी बिखरा पड़ा है। एक्वा गार्ड नहीं लगा है मेन चीज, तो भाई हम लोग पानी कैसे पिएंगे। अभी मंगवाया था हम लोगों ने एक प्लम्बर, बुक करा था बट वो बंदा आया ही नहीं, तो अभी लगेगा कल, तो अब ये पोस्टपोन हो चुका है कल के लिए। भंडारे से थोड़ी आलू पूड़ी भी आई थी तो मैं वही लेके जा रहा हूँ, सामान बैठ के खाएंगे। अब भंडारे का लाभ अकेला बाप क्यों ले, बेटे को भी तो देगा वो। I have never packed any lunch till now. ऐसे क्यों, करा तो है पहले, ऐसे नहीं करा ना इन सब में पैक। इसमें करा तो था आपने, मैं जब मैच में लेके गया था, I remember. हाँ। मैंने नहीं करी हूँ। अरे आपने करी हो, आपने नहीं करी है, वो आंटी ने करी थी। सच बताओ आंटी ने करी थी वो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मेरे को सही में लगा कि वो आपने करी थी, वो आपका प्यार था, बट कोई नहीं आंटी का प्यार लग गया। यार हमारे फ्रिज मैग्नेट बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं, कम है। ये कहाँ से कम है, इतने तो होने चाहिए, बल्कि हमें अपनी फोटो यहाँ पे लगानी। गाइस मैं कुछ भी टच नहीं कर सकती हूँ, ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन, मैं जिस चीज को टच कर रही हूँ करंट लग रहा है मेरे को, और इफ मैं केतन को भी टच कर रही हूँ, अब वो शक्ति मेरे को हो चुकी है भाई ट्रांसफर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, तू मुझे टच कर रहे हो, करंट लग रहा है यार, ये तो रियल हो गया ना, करंट लगना दोनों के बीच में ऐसे। इसको बोलते हैं स्पार्क होना, करंट भी तो बोलते हैं, स्पार्क वर्ड होता है गाइस, नॉट करंट। करंट होता है घर पे जो अप्लायंसेस होती है ना उनमें करंट दौड़ता है, हमारे अंदर नहीं हो सकता है। मेरे को जब भी कोई स्विच भी खोलना है ना, पहले मैं खोलना है, हाँ ये खोलना है और ये चालू करना, स्विच ऑन करना है, तो हाँ। ऐसे करना पड़ता है, अदरवाइज मेरे को करंट लगे मैं ऐसे नहीं कर सकती, जाके ऐसे नहीं खोल सकती, पहले मेरे को अपने कैसे नहीं कर सकते ऐसे नहीं खोल। ओके बाय, ये स्ट्रगल है, आई नीड टू सी अ डॉक्टर, क्या कमी है मेरे अंदर। अब इसको आजकल के बच्चों को देख लो, अभी डॉक्टर के लिए जाना है कि भाई करंट लग रहा है मुझे, क्या बोले उधर जाके बैठो, क्या बोले, वो करंट लगता है घर पे, हाँ है मैं कह रहा हूँ है, मानो इतना पिटेगा ना, इतना पिटेगा, माने हमारी बात। I'll say hi from your side to Sangwan. Do not ever trust Sangwan guys. ये याद है आपने करा था 24 जून को, क्योंकि 23 से अगले दिन हम 24 को इस घर पे आए थे, 23 को हमारी शादी हुई थी, याद है? मेरे को लगता नहीं क्योंकि आपको याद है, डेट याद है हमारी कौन सी है, अभी इस महीने पता है हमारा कौन सा एक रोका हुआ था हमारा, याद है पिछले साल रोका हुआ था हमारा 25, मैंने बोला था ना, इससे ज्यादा मेरे को डेट याद है, इससे ज्यादा मेरे को डेट याद रहती है। प्लीज यहाँ पे कैलेंडर रखा हुआ है हमारे नाम का, जो एक सब्सक्राइबर ने भेजा था उसमें 25 अप्रैल के ऊपर हार्ट होगा, क्योंकि उस दिन हमारी रिंग एक्सचेंज करेंगे। मैंने 28 बोला है, क्या बोला बताए, क्या हुआ है, क्या हुआ है, दो दिन प्रोसेस में लगे थे, प्रोसेस लगे थे, इसका प्रोसेसर ही स्लो है, नहीं 3 दिन, 25, 26, 27, नहीं यार क्यों है, 28 जून बोल दिया, मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, जून नहीं है भाई, अप्रैल मई आएगा।
ओके सो मैं भी निकल चुका हूँ सांगवान के साथ मिलने के लिए, बट अभी प्लान शायद चेंज हो चुका है हमारा। PS5 हम लोग नहीं खेलेंगे, टीवी उतारेंगे, बाहर ही कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे यार, क्योंकि अब वो भी बोल रहा है मैं घर पे ही रहता हूँ पूरे टाइम, तो बाहर घूमते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं भी थोड़ी बहुत दुनिया देख लूंगा बाहर की, इतना शिफ्टिंग हो गया ना, एंड आई जस्ट वॉन्ट की भाई थोड़ा सा दोस्तों के साथ चिल करूँ, थोड़ा बाहर घूमू। कल मेन मैच खेलने के लिए जा रहा है, मैं किसी और टीम से खेल रहा हूँ, मेरे एक्स टीममेट बोलोगे अब, जो अनुज भी आप लोग देखते हो ना मेरे ब्लॉग में, अब उनके साथ मैं गेवरा जाता था, वहाँ पे राजन अंकल करके आते थे, वो अभी भी खेलते हैं, आई थिंक इज 45+, और उनका बेटा है केशव, वो भी होगा वहाँ पे, वो भी आता था, हम सारे साथ में क्रिकेट खेलते थे उस टाइम पे गेवरा में, बहुत मैचेस खेले भाई गेवरा में तो। बट कल मैं उन्हीं के साथ जाके खेलूंगा, राजन अंकल को मिलूंगा भाई, बहुत प्यारे अंकल है। राजन अंकल की मेन क्वालिटी ये है कि जब हमारा संडे मैच होता था, सर्दियों में क्या होता है कि भाई कभी कोहरा हटने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई छोले भटूरे लेके आओ, मस्त ग्राउंड में बैठ के खाएंगे, हम लोगों ने यही करा है भाई, कभी ब्रेड पकौड़े आ रहे हैं, कभी राजमा चावल आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ आता था ना। आप लोगों ने मेरे व्लॉग में बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे होंगे, एंड राजन अंकल वो भी एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर, आई लव डिफरेंट कैरेक्टर, जो मतलब स्ट्रेट दुनिया से थोड़ा सा इधर उधर करके अपने शौक को, अपने पैशन को, अपने मन की बात को जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हैं ना लाइफ में। कल आप लोग राजन अंकल से भी मिलोगे, कल पूरा दिन शूट करूंगा, एंड हाँ आई विल ट्राई टू अपलोड, अब देखो यार मैंने बोल के मुकरना नहीं चाहता, बट हाँ आई विल ट्राई टू अपलोड डेली, बट इसको तुम ना लिटरल वे में मत लिया करो, क्योंकि यार बंदा मानो कि कभी थक भी जाता है, कभी नहीं जाने का मन करता बाहर, प्लीज उसको थोड़ा सा मेच्योरिटी के वे में ले, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी मना कर देती भाई नहीं जाना मेरे को बाहर, तो बोलते हो ना भाई कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, आज घर पे बैठो आराम करिए, आप उनको तो बोल दो आराम करो, बट मेरे को नहीं भाई, कैन ब्लॉग का है भाई। फिर भी यार इस वाले साल में मैंने अच्छा खासा ब्लॉग अपलोड कर दिए हैं, एंड क्वालिटी ब्लॉग्स अगर आप लोग जाके देखोगे ब्लॉग की प्लेलिस्ट, तो हमारी पता नहीं कितने सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, बट हाँ अभी आगे की देखेंगे। बट यार द्वारका का ट्रैफिक ये नहीं हटने वाला, द्वारका में एक्चुअली ट्रैफिक नहीं है, रेड लाइट्स बहुत ज्यादा है, जो भी लोग वेस्ट दिल्ली गए हैं दे विल गेट माय पॉइंट, बाकी तो कुछ रह नहीं गया। हाँ बाकी स्ट्रीमिंग का थोड़ा सा लेफ्ट राइट है, ये सारी बातें आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारी अपडेट, पहले मैं ना अनाउंसमेंट वीडियोस, अपडेट वीडियोस, सारी चीजें मैं पहले करता था, बट अब ना सारे व्लॉग में बीच बीच में कुछ कुछ करके बता देता हूँ, बट ये मेरी बहुत गंदी आदत होती जा रही है, बिकॉज आई वॉज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड यूट्यूबर, जो अब धीरे धीरे करके बिगड़ता जा रहा है। आई वॉन्ट टू गेट ऑल माई स्ट्रेट फैक्ट्स राइट की भाई ये चीजें करनी है तेरे को दिन में, ये तो करना ही है, एंड ये सारी चीजें भाई रियलाइज मेरे को तब हुई कि भाई जब मैं रूम में अपने आज सेटअप कर रहा था, इतना अच्छा लगाना भाई, क्रेजी जगह पे पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ क्रेजी चीजें करनी भी पड़ती है। सो यस, पागलपंती भी जरूरी है भाई, पागलपंती ही जरूरी है मेरी ख्याल से लाइफ में, जितना इतना ऐसा करके आगे जाते जा रहे हैं ना, पागलपंती में जो बंदा चीजें करता है वो दिल से करता है, और दिल से करी हुई चीज कभी गलत नहीं होती, मन सच्चा रखो दिल सच्चा रखो सब बढ़िया होगा भाई। भाई ये देखो लोग क्या क्या चीजें करते हैं, यहाँ पे रोड के साइड में फुटपाथ है और यहाँ आग लगा दिया भाई किसी ने, सोचे आग फैल के यहाँ खाली प्लॉट है, मतलब कुछ नहीं लगेगा भाई यहाँ पे आग लगने, और इतना धुआं हो रहा है भाई पूरी सड़क पे, भाई बारिश आनी शुरू हो चुकी है, बारिश आ रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ बारिश आ रही है। तू यहाँ क्या कर रहा था? मैं यहाँ क्या कर रहा था? चाय पी रहा था। अजीब जानवर है, ये यहीं पे मिलता है इसी टपरी पे, चाय पीता हुआ शाम को। भाई कुछ खाए क्या? मैं तो वैसे लाया हूँ भाई आलू पूड़ी, मैं तो आलू पूड़ी बस भंडारे वाली, सबने पेल ली होगी। रामनवमी है आज, हैप्पी रामनवमी भाई। बस सुन ब्रो, नहीं पापा मच्छर बहुत हो गया भाई द्वारका में, अब मार ना फिर, तू मार, अबे तू मार, किसी काम का तो है। सावन की बातें आधी ज्यादा तो मैं डाल नहीं सकता हूँ क्योंकि इतनी बेकार बातें होती हैं, क्योंकि सावन की बातें ये जो तेरी बातें बकवास होती है, मैं डाल दूंगा ना अंकल, तू एंड हो जाएगा, जो लोगों को चाहिए वही होता है सावन, एंड हो जाएगा भाई, यही कुछ एंड ही होगा, सही बोल रहा था। एक काम करना, तू व्लॉग बना और बूंदे चीजें जस्ट लाइक ये बूंदे जस्ट Bro. और यहाँ पे ठेका कॉफी है, ये बहुत बेकार है, ठेका कॉफी से बेटर यू गो टू ठेका ब्रो, तो 150 रुपए कॉफी से बेटर ठेके पे चले जाओ, ये सब क्या है ठेका कॉफी भाई। बाकी चल रहा है अपना यहाँ पे मैच, RP17 इज इन द ग्राउंड, पहली दिल्ली की बॉलिंग है ये, वैसे दिन है भाई कि जब गाड़ी बैठी रहती है। हाँ दिल्ली कर रहा हूँ, मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ वही जीतती है, अभी देख लास्ट टाइम यही जीती है, CSK को बोला CSK DC, अभी देख, अब तूने बोल दिया दिल्ली जीतेगी, मैं बोला गुजरात जीतेगी, देख लियो, मैं कह रहा हूँ दिल्ली जीतेगी, अब तो गुजरात बिल्कुल नहीं जीत पाएगी क्योंकि तू है उनकी टीम में, अब तो गुजरात ही जीतेगी भाई देख लियो। ओके सो आई एम बैक ओवर हियर, मैं यहाँ पे आया हूँ ये टीवी लेने के लिए एज अ सेट, बट ये टीवी यहाँ से लेके जाना है ऐसा नहीं है कि आसान काम है, क्योंकि मेरे पास कोई टूल किट नहीं है, मेरा जो टूल किट है वो पड़ा है दूसरे वाले घर पे, बट अभी इसको निकालेंगे, एंड द कैच इज कि मैं इसके पीछे वाला जो ये स्टैंड देख रहे हो आप लोग जिसपे लटका हुआ है ये नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास टूल नहीं है, बट भाई यार DC का खेल रही है ब्रो, 67 पे 3 चलो ठीक है, बट ये देखो शायद, अरे शायद भी आउट हो गया, अबे यार भाई मैं तब से नहीं देख रहा था और ये लोग रन बना रहे थे मेरे देखते विकेट गिर गई,
बट कोई यहाँ से जीत जाएंगे यार। बट ये 55 इंच का टीवी आज मेरे को लेके जाना है गाड़ी में। हमें से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अब इसको पोर्टर से भेज देते भाई, अभी तुम गाड़ी में क्यों लेके जा रहे हो, गाड़ी में तुम लेके जा रहे हो शायद खराब भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं है, मैंने लास्ट टाइम पोर्टर ही कराया था एंड मेरा टीवी खराब हो गया था। मेरा फेवरेट टीवी सोनी का भाई, इतना प्यारा टीवी था वो, X90H मॉडल भी याद मेरे को, और उसको मैं ठीक कराऊंगा एंड जल्दी ही उसको अपने अभी जो करंट गेमिंग रूम है उसमें भी लगाऊंगा। वो थोड़ा कंप्लीट लगता है टीवी के साथ रूम। आ गया ना बेटे पीछे पीछे, कोई दिक्कत तो नहीं मेरा। बहुत ज्यादा मच्छरों से बैटल करना पड़ा मेरे को, ज्यादा मच्छर की उड़ जाता तो शोल्डर उड़ जाता उतने में। ये देख लो यहाँ पे सारा खाली हो गया, किचन पूरा खाली हो चुका है। ये वाला बेड अभी खाली नहीं हुआ, इसका कहीं और इंतजाम करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम लोगों ने कुछ रखा ही नहीं था। ये वाला रूम भी खाली है जहाँ पे के अपना पूरा मेसी रूम रखती थी और कुछ भी ऐसे साफ साफ नहीं होता था। बट हाँ अब ये देखो इतना बड़ा रूम हुआ करता था, ऐसा लगता था बहुत छोटा है बट नहीं, ऐसा नहीं था। क्या हो गया? हाँ अच्छा टेस्टी है वो का, एक्सपायर्ड है। ओके ये वाला रूम हमारा गेमिंग रूम भी खाली हो चुका है। बट यहाँ पे मैंने वॉलपेपर लगवाए थे, मेरे को थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 6 महीने के आसपास रहे हैं और ये वॉलपेपर बहुत अच्छा लगता था मेरे को यहाँ पे। बड़े सारा उठा के मैं अपना ले जाऊंगा सामान, ये भी ले जाएंगे बाहर, उधर घर पे भी और पड़े हुए हैं। बट एनीवे सारा सामान मैंने खाली कर दिया। बट ये कुछ हाँ हेलमेट वगैरह, ये वाला हेलमेट मैं अपने टीम किट में रखवा दूंगा क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा है। नाउ आई गॉट अ न्यू वन। मेले में गया था मैंने ये देखा और मेरे को सांगवान की याद आ गई। ओ ये तो सांगवान ही है सांप भाई, सेक्सी लग रहा है बढ़िया। तो पहले को दिखाया मेरे को खिलौना अच्छा लग रहा है बेटे को, सही। Just like my... कितना खुश है भाई मेरा बेटे, कितना खुश है। एक काम कर रहे हो, तेरे घर पे बिल्लियां है ना, उनको डराइयो उससे, फाड़ दूंगा भाई। ओके तो टीवी पीछे रख लिया जो कि आप लोगों को अभी नहीं दिख रहा होगा ऑब्वियसली। नाउ आई एम गोइंग बैक होम, सामान तो चला गया अपने घर पे, मेरी हेल्प करा के थोड़ी बहुत तो क्या मैंने उतारे नीचे टीवी, इतना हल्का था। एनीवेज अभी घर पहुंचता हूं, हम लोग टीवी शायद अभी लगा लेंगे, अगले व्लॉग में लगाएंगे, आप लोगों को पता चलेगा कल के व्लॉग में। मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग भी ख्याल रखिएगा अपने, इज ऑलवेज बट टेक केयर, पीस आउट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना जल्दी, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाओ एंड ऑल करो सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर एवरी व्लॉग एंड लाइव स्ट्रीम जो भी हम लोग करते हैं। मिलते हैं आप लोगों अगले ब्लॉग में, ख्याल रखिएगा अपने, ऑलवेज बट टेक केयर, पीस आउट, दूसरी बार कर रहा हूं यार, बाय। सो फाइनली केतन इज सेटिंग अप आवर टीवी जो अभी आ ही गया ना, नहीं मेरा चल रहा था आईपैड से, मतलब आई वाज ओके। हां फिजिकली का आईपैड नहीं देख रहा, हॉल में देखूंगी। अच्छा गाइस वी डू नॉट हैव टू टीवीज, ये वाला केतन का खराब हो गया था लास्ट टाइम जब हम शिफ्ट कर रहे थे, बट इस बार भी देखते हैं कि शट अप डोंट इवन अटर अ सिंगल वर्ड। एक महीना नहीं हुआ है इस टीवी को अभी आए हुए, नहीं भाई नहीं ये वाला नहीं। बट आई क्लीन्ड दीस टेबल्स एंड मैंने अपने लिए एक व्हाइट वाली वो ऑर्डर कर रखी, टेबल ऑर्डर कर दिया मैंने भाई, सब बना दो अपने ब्लॉग के लिए कुछ। दैट्स ओ माय God.